बिहार को एक तरह से अपनी प्राथमिकता में शामिल करना अमित शाह की चाहत नहीं मजबूरी है। ऐसा इसलिए कि बतौर एनडीए 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार ने 39 सांसद का तोहफा दिया था। जदयू के अलग हटने से सीधे सीधे 16 सांसद का माइनस हो जाना बीजेपी के संख्या बल को कुछ ज्यादा ही प्रभावित कर गया है। नतीजतन अपनी जीती हुई सीट पर मुस्तैद रहना और नई लोकसभा सीटों को लेकर संभावना ढूंढना अमित शाह के लिए हरक्यूलियन टास्क हो गया है। मुजफ्फरपुर में आने के पीछे अमित शाह का मकसद मुजफ्फरपुर लोकसभा के अलावा नए ठिकाने तलाशना भी है। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे अमित शाह ने इसी साल 25 फरवरी से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना चुनावी सफर शुरू किया। तब शाह ने पश्चिम चंपारण में चुनावी शंखनाद किया था। 2 अप्रैल को अमित शाह नवादा आए थे। तब यह कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार नवादा से स्वयं चुनाव लड़ना चाहती है। यहां से गिरिराज सिंह सांसद भी थे। 2019 में नवादा एलजेपी को दे दिया गया था। अब बीजेपी एक बार फिर नवादा जैसी मजबूत सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। 29 जून को लखीसराय गए थे अमित शाह। यहां उनके निशाने पर ललन सिंह की सीट मुंगेर रही। यहां भी बीजेपी चुनाव लड़ने का मन बना रही है। अमित शाह चौथी बार 16 सितंबर को झंझारपुर आए थे। झंझारपुर लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में बीजेपी एक बार जीती थी। तब वीरेंद्र कुमार यहां से सांसद थे। 2019 में यह सीट जेडीयू को चली गई और यहां से रामप्रीत मंडल चुनाव जीते थे। अब इस सीट को फिर से पाने के लिए शाह ने झंझारपुर में सभा की। इसके बाद अब 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे शाह मुजफ्फरपुर में रैली करेंगे। मुजफ्फरपुर की यात्रा का पहला मकसद है बड़ी मुश्किल से हासिल समाजवादियों के गढ़ मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को बरकरार रखना। जेडीयू के लिए यह प्रतिष्ठित सीट है। यहां से जॉर्ज फर्नांडिस 1977 के लोकसभा चुनाव से 2004 तक कुल 5 बार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बीच में 1984 में कांग्रेस के ललितेश्वर शाही ने जीत हासिल की थी। एक लंबे इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट 2014 के चुनाव में बीजेपी की झोली में गिरी। साल 2014 में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अजय निषाद सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अखिलेश सिंह को 2,22,422 वोटों से हराया। साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार अजय निषाद ने जीत दर्ज की। तब उनका मुकाबला वीआईपी के राजभूषण चौधरी से था, लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर के मंच से अमित शाह के निशाने पर मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, वैशाली और समस्तीपुर भी है। बता दें कि बीजेपी को चुनाव अब अपने तरीके से जीतना होगा। इसके लिए नए राजनीतिक समीकरण तैयार करना होगा। ऐसा इसलिए कि इस बार बीजेपी को जनता दल यू का साथ नहीं है। अब तो बीजेपी को महागठबंधन से लड़ना है, जिसमें जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल का भी साथ है। बहरहाल बीजेपी के लिए यहां चुनौतियां ज्यादा है और हर कदम भी सोच समझकर चलना है। साथ ही एक नया मापदंड तैयार करना होगा जो जातीय समीकरण से अलग हो।